कैसे हो यार तुम लोग। द सरकारी शो का ये 17वां 18वां कौन सा एपिसोड है भूल गया हूँ, कहा कि बहुत दिन बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। लॉन्ग वीडियो सीरीज में सरकारी नौकरी की हम लोग बात करते हैं कि कौन सा पेपर होने वाला है, कौन सा पेपर हो गया, कौन सा पेपर लीक हो गया, कौन सा पेपर पोस्टपोन हो गया, कौन से पेपर का री एग्जाम होगा, कौन से पेपर में मास्टर तुम्हें चूतिया बना रहे हैं, कौन से पेपर में मास्टर तुम्हें मैराथन दे रहे हैं, कौन से पेपर में तुम्हें मॉक देना है, कौन से पेपर में तुमको मॉक कहाँ से देना है, सारी बातें हम लोग करते हैं। तो आज का जो मुद्दा है, एक तो यार खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन लॉन्ग वीडियो बनाना तो बनाना है, ठीक है। आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी, भर्ती हुई नहीं थी, भर्ती में पेपर हुआ था, पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक होने के बाद लगभग 1 महीना 1.25 महीना हो गया, 6 महीने बाद कहा गया था पेपर होगा। अभी उसकी कोई नोटिस नहीं जा रही, लेकिन हम लोग उम्मीद यही करके चलते हैं कि 6 महीना बाद पेपर होगा। उस पेपर के लीक होने के बाद लड़के एकदम सुसुप्त अवस्था में चले गए, जैसे साइबेरिया वाले भालू चले जाते हैं 6-6 महीना के लिए, कि अब 6 महीना बाद उठा जाएगा जब सूरज उरज थोड़ा बहुत निकलेगा। लड़के पढ़ाई लिखाई से थोड़ा बहुत दूर हो गए, मास्टर भी उनको दूर कर दिए। मास्टर को ये लग रहा है कि अबे छोड़ो, अभी कौन सा कोर्स बिक रहा है, अभी कौन सा ये वाला लेक्चर बिक जाएगा, अभी कौन सा साला मॉक टेस्ट वो कुछ खरीद लेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। तो मास्टर लोग भी कह रहे हैं छोड़ो, अभी लड़के मरे हैं तो मरे रहने दो, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग तुमको जिंदा किए रहेंगे, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की हफ्ते में एक बार बात जरूर करेंगे। बात करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में चार ही चीज़ आती है, एक टू रीजनिंग आती है, एक टू मैथ आती है, एक टू तुम्हारा जीएस आता है, एक टू हिंदी आता है। हिंदी लगभग सबकी ठीक ठाक है, मैथ का पेपर जो हुआ था चारों शिफ्ट में अगर उसका तुम लेवल देखोगे वो भी ठीक ठाक है, तुम कर लोगे। जीएस का लेवल जीएस का जैसा लेवल होता है वैसा ही लेवल है, अगर तुमको आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। लेकिन जो रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि वाला टॉपिक है वो ठीक ठाक मात्रा में लड़कों को परेशान किया है, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन एक टॉपिक से आया था और लंबा लंबा क्वेश्चन, कि मतलब तुम पढ़ो तो 3 मिनट खत्म, 2 क्वेश्चन पढ़े तो 4 क्वेश्चन खत्म इधर वाला। उसका एक क्यूट सा क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, उसका तुम लोग खुद ही बताना कि क्यूटता कितनी है इसकी। क्वेश्चन है, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल का पेपर है लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सब इंस्पेक्टर का, नोट कर लो ये। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है। आपको अब ऑप्शन शुरू हो रहा है ABCD। पहला ऑप्शन है, स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहिए और जल्दी ही ग्रामीण स्टेशन पे वापस आने की उम्मीद करनी चाहिए। अब अनिच्छा अनिच्छा का कोई मतलब है नहीं, तुम इच्छा रखो अनिच्छा रखो, जाना तुमको है, कोई मतलब नहीं है इस बात का। दूसरा ऑप्शन सुनो, स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। ये काफी ठीक लग रहा है, तुमको जब ट्रांसफर कर दिए ना तो जाकर वहीं सीखो कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे चुनौतियों से निपटना है। तीसरा ऑप्शन, किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन पर स्थानांतरण की मांग करनी चाहिए जहां आप अपना काम और रुचियां जारी रख सके। काम और रुचियां जारी रखने के लिए तुमको नौकरी नहीं मिली है, तुमको नौकरी मिली है कि जिस परिस्थिति में तुमको भेजा जाए वहीं जाकर काम करने लगो, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा है। चौथा ऑप्शन, स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध करना चाहिए और ग्रामीण स्टेशन में अपने कार्य और उपलब्धियों का हवाला देना चाहिए। कार्य और उपलब्धियों का हवाला जब दोगे ना तो तुम्हें और कठिन जगह प्रमोट कर देंगे, और कठिन जगह स्थानांतरित कर देंगे, या बहुत तगड़ा तुम्हारा कोई जुगाड़ उगाड़ है। तो अब इस क्वेश्चन का तुम लेवल देखो, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज और जो लाइन है वो ठीक ठाक मात्रा में बड़ी है। अगर तुम कायदे से इस टॉपिक को पढ़ के नहीं जा रहे हो बहुत तगड़ा नुकसान होगा। देखो जब भी री एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, पेपर जो आने वाला होता है अधिकांशता यही देखा गया है कि वो कठिन बनाया जाता है। और कठिन जब भी पेपर बनाया जाएगा, री एग्जाम जब भी होगा, तो वो लड़के जो पहले पेपर अच्छा करके आए थे उनका पेपर खराब होता है, क्योंकि वो इस विडंबना में रहते हैं कि अबे मैं तो पेपर कर ही दिया था, अब उठेंगे 1 महीना पहले करके चले जाएंगे। लेकिन वो लड़के जो बीच मझधार में थे वो लोग पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो अगर मानसिक अभिरुचि तुम्हारी अच्छी नहीं है, और बार बार लड़कों को डाउट आता है कि भाई मानसिक अभिरुचि पढ़ी कहां से जाए, रवि तिवारी सर हैं, बहुत तगड़ा मानसिक अभिरुचि का फ्री क्लास स्टार्ट किया, 15 लेक्चर लेंगे, 2 लेक्चर हो चुका है, लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा, एक बार जाकर पहला लेक्चर देख लेना। अगर तुमको पहले लेक्चर से लगे कि नहीं मास्टर साहब सही बता रहे हैं तो उनकी जो सीरीज है फ्री में है, देखते रह जाना। अच्छा देखो मैं सजेस्ट वही करता हूं जो मुझको सही लगता है, अगर वो तुम देखोगे तुमको सही लगेगा तभी देखना, ऐसा मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, और मेरी गारंटी है कि तुम देखोगे तो तुमको वो लेक्चर सही लगेगा। और मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूं कि वो देख लोगे तो बहुत अच्छा कर लोगे, एकदम
17 का 17 सही कर दोगे, नहीं, तुम्हारी एक ठीक ठाक समझ बन जाएगी, एक अप्रोच तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा, तुम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे। और एक आध डेढ़ घंटे की बात है यार, देखो ऐसा ऐसा टॉपिक तुम चूज करो, तो लिस्ट बनाओ, लिस्ट में कौन कौन टॉपिक पे तुम्हारा कमांड नहीं है उसको नोट करो, उसको अगले एक दो महीना में एकदम काट पीट के बराबर कर दो, ताकि मजबूती से जब पेपर हो तब दो। और मॉक टेस्ट जरूर देते रहो, रोज एक मॉक टेस्ट दो, चाहे कुछ नहीं पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट देते रहोगे, अपने आप तुम्हारा इंप्रूवमेंट मार्क्स में होता रहेगा। मॉक टेस्ट कहाँ से देना है लिंक वो भी दे रहा हूँ, टेस्ट प्लेस ऐप पे जाना, मॉक उस पे देते रहना, और तुम्हारा बहुत तगड़ा स्कोर आएगा। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे किसी एक और टॉपिक को लेकर, बढ़िया वीडियो लेकर। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।